नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बीएड के एंट्रांस में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का आंसर, वो भी एकदम करेक्ट बताऊंगा। जो भी होगा इसमें 99% क्वेश्चन का आंसर जो है कि सही होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको नए सभी क्वेश्चन का आंसर सही तरीका से मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला जो कि इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन से पूछा गया था। ये जो सीरीज है क्वेश्चन का, ये सी सीरीज का क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि ये सी सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो कि जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंशन से निकल के आता है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट एंशियंट टाइम, यानी कि यहाँ प्रीपोजिशन को फिल करने के लिए कहा जा रहा है, तो प्रीपोजिशन यहाँ पर सिंस होगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं कि नॉर्मली ही स्टेज अंटिल 11 PM दीज डेज, तो यहाँ पर आउट फिल होगा। देख सकते हैं आपके सामने में यहाँ पर आउट फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, द विजिट ऑफ द PM हैज बीन एडवांस्ड। उसके बाद यहाँ पर एडवांस टू डेज के पहले जो है कि निश्चित समय नहीं है, ये देख सकते हैं टू डेज लिखा हुआ, तो निश्चित समय अनिश्चित समय के लिए फोर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर फोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा रहा है, डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन अल्टरनेटिव फिल करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, तो इसमें देख सकते हैं ये कहा जा रहा है कि द स्प्रिट सेपरेट वॉज लुकिंग आफ्टर द सिर्फ खाली स्थान है, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ सीप, यानी सीप के झुंड को क्या कहते हैं। जैसे एस्क्रीव मानव के झुंड को एस्क्रीव कहते हैं, उसी तरीका से सीप के यानी भेड़ के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 5 नंबर क्वेश्चन का कि द पुलिस खाली स्थान है यहाँ पर द मोक्स, तो यहाँ पर निकल के आएगा तो डिस्पर्स निकल के आएगा, डिस्पर्स क्या है तो डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इन ऑर्डर द मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड कैट डाइट, तो यहाँ पर बढ़ाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस डाइट हम लोग लेते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं, तो बैलेंस डाइट होता है, तो ये बैलेंस यहाँ पे बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज वन हु One which can be substituted for the given words and sentences. तो यहाँ पर कहा गया है कि study of sound, यानी sound के study को क्या कहा जाता है, तो phonetics कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं next question लिखा गया है कि loss of memory को क्या कहा जाता है, तो amnesia कहा जाता है। next question निकल के आता है 9वां नंबर question से कि a place where birds are kept, यहाँ पर चिड़िया को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, एवेरी। देख सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, अवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब होता है पूरी तरह से मना कर देना, यानी पूरी की तरह से मना करना, उसका अल्टरनेटिव आपको देख सकेंगे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, एनिमोस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जो है पैसेज है देख सकते हैं आपके सामने में, आपने अच्छे तरीके से ये बनाया होगा और अच्छे मार्क आ रहे होंगे आप लोगों को। अगर कितना मार्क आ रहा है तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपका कितना मार्क आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं ये पैसेज को पढ़ने के बाद आपका सारा क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है, तो यहाँ देख सकते हैं द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑफ डायग्नोजिंग, यहाँ पर डायग्नोजिंग का मतलब पूछा गया, तो यहाँ देख सकते हैं इन द डायग्नोजिंग देयर लर्निंग नीड फॉर्म, देख सकते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग गोल्स आइडेंटिफाइंग रिसोर्स, यहाँ पर जो है कि डायग्नोजिंग के लिए किस तरीके का यूज कर रहा है, तो आइडेंटिफाइंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है द मॉडर्न एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्टिव कहा गया है, देख सकते हैं इंस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। 13 नंबर में जो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डिस्क्रीट लर्निंग, तो ये इसका आंसर देख सकते हैं कंपलसरी लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है कंपलसरी लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, देयर इज नीड ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, तो इसका आंसर बी नंबर है, इट हेल्प्स पीपुल टू लर्न मोर थिंग एंड लर्न बेटर,
इसका भी आंसर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है, देख सकते हैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, लर्निंग मोर थिंग एंड लर्न बेटर देन पीपल वेटिंग टू द थाउट। तो ये यहाँ पर से क्वेश्चन इसका आंसर निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है, देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन यानी 15 नंबर है, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए से, कि टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, ये आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे 16 नंबर क्वेश्चन जो कि समान हिंदी के रूप में निकल के आएगा, खंड यानी सेक्शन 2 से पूछा गया था लैंग्वेज 2 के तौर पे, लैंग्वेज 2 के तौर पे हिंदी में से क्वेश्चन है कुछ। तो कृति का विलोम शब्द क्या होता है, तो अपकृति होता है। और 17 नंबर में है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है, तो पुनः जन्म, पुनः जोर जन्म। और 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि दर्शनीय, दर्शनीय शब्द का प्रत्यय है, दर्शनीय शब्द में क्या प्रत्यय है, तो ये निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए से, ई दीर्घ ई है उसके बाद य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 19 नंबर से, कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन, निम्न में से भिन्न भिन्न है, देख सकते हैं अर्थ की दृष्टि से निम्न में से भिन्न है, क्या भिन्न है, देख सकते हैं पथ, डगर और राह, तीनों एक ही चीज होता है, धारा मतलब पृथ्वी यानी धरती, ये अलग चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि 20वें नंबर में लड़के नदी में तैर रहे हैं, तो इसका आंसर निकल के आता है उदाहरण के तौर पे, जो ये किसका उदाहरण है, कौन सा जो कि क्या कहते हैं काल है यानी टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन आएगा सामान्य वर्तमान काल का। उसके बाद 21 नंबर में पूछा गया है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये उदाहरण किसका है, तो देख सकते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल का, ये उदाहरण है हेतु हेतु मद भूतकाल का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि आंखों का तारा होना प्यारा होना सबको पता है। 23 नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, समीर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 में, सर्वनाम का सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के नाम पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर है, विभिन्न निम्न में से तद्भव कौन सा है, कूप, इसका आंसर होगा कूप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं पैसेज दिया हुआ है, इसी पैसेज से खोज करके आपको आंसर यहां पर देना है। तो आंसर निकल के आता है 26 नंबर में, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है, तो इसी में से आपको मिलेगा इसका आंसर। इस पैसेज को आप पढ़ेंगे एक बार तो उसी में से आंसर मैंने भी खोज के निकाला है। यहाँ देख सकते हैं 27 नंबर में है, पूजा उन्हीं की गई, उन्हीं की गई जिन्होंने, क्या क्या यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, कि पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने क्या किया, तो मानव समाज में भलाई की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा, जिन्होंने धन बटोरा उसका जो प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही। उसके बाद है 29 में है, उनकी कृति अक्षय है, उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने क्या किया, तो मानव समाज का कल्याण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 30 नंबर में, कि किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, तो धन की पूजा सदैव नहीं होती है, बुद्धि की पूजा सदैव की जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन से आंसर निकल के आ रहा था। अगला जो खंड है, अगला जो सेक्शन है, थर्ड नंबर सेक्शन है जिसमें हम लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में देखेंगे। इसमें हम बनाएंगे नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। इसमें पहला क्वेश्चन निकल के आता है जो कि 31 नंबर है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के चार संभावित उत्तर दिए गए हैं, अतिरिक्त अत्यधिक उपयुक्त उत्तर को चुने। तो इसमें देख सकते हैं भाषा क्या है, तो भाषा क्या है, तो भावना है, डी नंबर ऑप्शन। 32 जो क्वेश्चन निकल के आ रहा था 32 नंबर की, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है, तो इसका आंसर निकल के आता है आईडी ईगो सुपर ईगो यानी बी नंबर ऑप्शन, इदम अहम अवम अति अहम, ये आंसर निकल के आता है। 33 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते हैं क्योंकि, क्यों नहीं लेते हैं, तो इसमें देखिए अनिल सुनील में
अनिल जो है सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते। यहाँ पर सुनील के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है, सिर्फ अनिल के बारे में कहा जा रहा है कि अनिल दिलचस्पी नहीं लेता है सुनील में, जबकि सुनील के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो हम डायरेक्ट अनिल पर ही इल्जाम लगाएंगे कि बेटा तू ही अच्छा नहीं है, तू ही अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। तो ये देख सकते हैं इसका आंसर बी होगा, अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, लोग गॉगल्स क्यों पहनते हैं? तो ये नहीं कह जाना कि स्टाइल मारने के लिए पहनते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये पॉजिटिव वे में लेना है कि वे रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचाने के लिए पहनते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन सेलोलिज्म से पूछा गया है और इसमें हम कथन दिया गया है, दो ठो कथन है कि सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका हैं और कुछ पंक्तियां कुछ प्रतियां नॉवेल हैं। ये दो कथन दिया गया है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसी दो स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसका आंसर निकल के आता है 36 का, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निकल के आता है 37 में, देख सकते हैं कि कुछ बिल्लियां अच्छी है कुछ बिल्लियां काली है। तो ये देख सकते हैं इसका ऑप्शन निष्कर्ष भी दिया गया है यहाँ पे कि सभी काली अच्छी है या कुछ अच्छी काली है या कुछ काली अच्छी है, तो कुछ अच्छी बिल्लियां भी है कुछ अच्छी बिल्लियां है। तो ये निश्चित रूप से जो कहा गया है वही यहाँ पर दिया गया है, कुछ बिल्लियां अच्छी है यहाँ पर कुछ अच्छी बिल्लियां है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, कुछ लोग बुद्धिमान है और कुछ लोग अमीर है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन 38 नंबर में यानी 38 नंबर में आंसर निकल गया है कि सारे लोग बुद्धिमान नहीं लेकिन अमीर हैं। तो ये बात यहाँ से निकल के आता है, अदर ऑप्शन से ये अलग है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। आपके तौर पे क्या होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मनीष खिलाड़ी है, सारे खिलाड़ी लंबे हैं। तो इसका आंसर निकल के आएगा बी नंबर ऑप्शन कि सभी लंबे आदमी जो है खिलाड़ी है, इसका आंसर होगा सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निकल के आता है 40 नंबर कि सभी लड़के खूबसूरत है, सभी लड़के क्या है तो खूबसूरत है। तो इसका आंसर होगा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कि सभी लड़के प्यारे हैं। आंसर नंबर 41 का क्या होगा, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा। तो इसका सीरीज दिया गया है, इसका क्या होगा तो यहाँ पर 100 आएगा, नेक्स्ट जो सीरीज आएगा नेक्स्ट जो इसका डिजिट आएगा वो 100 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। और 42 में देख सकते हैं, 42 में इस वाले सीरीज में आएगा 83, यानी ऑप्शन नंबर सी। 43 में देख सकते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन में है जो सीरीज है उसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 125 आ रहा है। उसके बाद आ रहा है 44 में, देख सकते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी है 33। और 45 में सारे के सारे सीरीज हैं, आसान ही सीरीज थे, यहाँ पर देख सकते हैं 45 में बेहद ही आसान तीन है, देख सकते हैं यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पर जो दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा क्यों है, क्योंकि कम पाया जाने वाला है, ये क्या है तो कम पाए जाते हैं इसलिए महंगा है प्लेटिनम। उसके बाद है बहरा हमेशा गूंगा क्यों होता है, जो बहरा है वो हमेशा गूंगा क्यों होता है, क्योंकि वो सुनवे नहीं किया बच्चे से कुछ तो सीखेगा क्या, ये बात निकल के आता है। वह दूसरे से सुनकर बोलना सीखता है, यानी वह दूसरे से हम लोग क्या कहते हैं दूसरे से सुनकर सीखते हैं कि वो क्या बोल रहा है कैसे बोल रहा है, ये चीज जो बहरा रहेगा वो सुनबे ना करेगा तो वो सीखेगा क्या, तो वो बोल नहीं पाएगा इसलिए वो गूंगा रहेगा। ये 48 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है कि लोग अपने जूतों में रबर का तल्ला क्यों लगाते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं, रबर का तल्ला यानी रबर का जो सोल होता है वो क्यों लगाया जाता है जूते में। तो देख सकते हैं दो चीज यहाँ पर निकल के आता है कि ये टिकाऊ होते हैं, ये तो कॉमन बात हो गई, लेकिन वे आवाज कम करने के लिए करते हैं, यानी जब फर्श पे आदमी चलता है जूता पहन के तो खटखट की आवाज आती है, इसी आवाज को कम करने के लिए रबर के सोल में जूता में यानी रबर लगाया जाता है, जूते में क्या लगाया जाता है रबर के सोल लगाए जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि, इसका आंसर होगा इसका भार कम होता है एवं वनिष्ठ समान आयतन में पानी के भार से। यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर देखेंगे इंग्लिश मीडियम में क्योंकि ये उटपटांग लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में। इट्स वेट इज लेस देन द वेटेज ऑफ
वाटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी सेम, यानी 1 लीटर पानी का जो वजन है वह 1 लीटर पानी का जो बर्फ बनेगा उसके वजन में कमी रहता है, बर्फ कम होगा और पानी जो 1 लीटर है उसका ज्यादा हो जाएगा, ये चीज डिफरेंस रहता है। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं इस बात को। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों को धूम्रपान से बचाना चाहिए क्योंकि यह क्या है, तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बुरी आदत है, ये सब कॉमन चीज है, ये फैक्ट है, ये जो है क्या है, तो फैक्ट है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक महिला का युग्म है, तो इसको बनाइएगा तो पता चल जाएगा आपको। और यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से हमने बनाया तो इसका आंसर निकल के आता है, मैं आंसर पे डायरेक्ट आता हूँ, तो इसका आंसर निकल के आता है 51 का डी नंबर ऑप्शन, AD नंबर ऑफ ये आएगा। देख सकते हैं निम्नलिखित में क्या होगा, तो महिला का जो युग्म है वो क्या है, तो AD है। 52 नंबर में आता है कि ई की पत्नी कौन है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से इसमें से यानी ना ए है ना एफ है और ना बी है। और 53 में कहा गया है कि ए को कितने बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं। और यहाँ देख सकते हैं 54 में है कि बी की माता कौन है, तो डी है, बी की माता कौन है, तो डी है। 55 नंबर में देख सकते हैं परिवार में कितने पुरुष सदस्य है, तो 4 पुरुष सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है सेक्शन 5 से, खंड 4 से सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस को लेकर के मैं आ रहा हूँ। इसमें देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन से निकल के आएगा कि लेटर, ईमेल और टेलीफोन उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो चैनल का उदाहरण है। आप सभी मैसेज में डाले होंगे लेकिन इसका आंसर चैनल आता है, आप सर्च कर सकते हैं इस बात को, चैनल आता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि 57 नंबर में कि बिहार के साहित्यकार, ये तीनों साहित्यकार बिहार के ही है, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, तीनों जो है बिहार के ही हैं। 58 नंबर क्वेश्चन बिहार की शिक्षा मंत्री कौन है, विजय कुमार चौधरी है, वर्तमान में विजय कुमार चौधरी है, अशोक चौधरी पहले थे अभी नहीं है, विजय कुमार चौधरी वर्तमान में है। 59 नंबर क्वेश्चन है नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्थान को प्राप्त हुआ है, नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किसको मिला है, डब्ल्यू एफ पी को मिला है। 60 नंबर क्वेश्चन में निकल गया था है विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्कल स्लाइड, इसको बोलते हैं सर्कल स्लाइड 2020 का विजेता कौन है, तो पाकिस्तान है, इसका विजेता कौन सा है, तो पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 61 नंबर भैंस की सबसे उन्नत नस्ल कौन सा है, ये देख सकते हैं सबसे उन्नत नस्ल जो है कि मुर्राह भैंस होती है, साहिवाल गाय में होता है। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 62 नंबर से कि PNR 381 क्या है, तो ये किसका है, तो चावल का, धान का जो है पीएम उन्नत किस्म है PNR। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 63 नंबर नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो जनवरी 1, 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 64 नंबर डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है, क्या है, तो कठोरता भी है और लचीलापन भी है हमारे संविधान में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री को मिला था, तो अनामिका को मिला था। यहाँ देख सकते हैं अनीता वर्मा भी नहीं है, अंजना भी नहीं है, अनामिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 67 नंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कितना है, तो 2 दिसंबर मेरे ख्याल से 20 क्या हो रहा है यहाँ पे 2 दिसंबर होगा, डी नंबर ऑप्शन कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। 68 नंबर क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन प्रोग्रामिंग में PHP क्या होता है, प्रोग्रामिंग यानी PHP एक हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल के तौर पे जाना जाता है, यानी ये हाइपर टेक्स्ट वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है ये, ना कि प्रोग्रामिंग में पूछा जा रहा है, तो प्रोग्रामिंग में PHP होता है, हाइपर टेक्स्ट करके होता है, इसमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निकल के आता है 69 नंबर चिपको आंदोलन के प्रोनेता कौन थे, यानी इसके जो है चिपको आंदोलन के जो लीडर कौन थे इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा।
देख सकते हैं इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। 70 नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है? ये भागीरथी नदी पर है, ये उत्तराखंड में स्थित है। देख सकते हैं ये पे भागीरथी नदी है, ये टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 72 नंबर में कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? नासिक में करेंसी छापा जाता है, नासिक में करेंसी छापा जाता है, बैंक नोट पूछा जा रहा है यहाँ पे, देवास में ये छापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि कैटेगरी वन में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? कैटेगरी वन में जो है कि ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निकल के आता है 74 नंबर, हाल ही में किस भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? रमना एनवी जो है कि हाल ही में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। 75 नंबर में हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? सभी को पता है 746 वाट को एक हॉर्स पावर कहा जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो हर्ज होती है, निश्चित रूप से सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर निकल के आएगा पश्चिम बंगाल। 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है था कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी का बेसिन कौन सा है? तो गंगा बेसिन है। 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं जो पहला बनाया गया था, इस आपको सबको भी पता होगा। 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ किस राज्य में आरंभ की गई है? हरियाणा में। 81 नंबर है, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है, बिहार में सासाराम में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम जिले में स्थित है, दिल्ली के शासक थे शेर शाह सूरी। 83 नंबर क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था 26 सितंबर 1985 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निकल के आता है 84 नंबर, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1901 ईस्वी में दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी। 85 नंबर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई है? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई है? राजस्थान से। 86 नंबर, आपातकाल के बीच पारित स्थिति विवादित संशोधन था कौन सा? 42वां संशोधन था जो कि बहुत ज्यादा ही आपातकाल के दौरान ये संशोधन किया गया और ये जो बहुत विवादित ही संशोधन रहा था। 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? रामदेव मिश्रा जी हैं जो कि पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 88 में, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कहाँ है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है, ये कहाँ नहीं कब है, तो देख सकते हैं ये है 16 नवंबर को है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ये निश्चित रूप से क्रोम है, ये वेब ब्राउजर है ना कि सर्च इंजन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन क्या है? तो इसमें दो आंसर निकल के आता है, गैसीय प्रदूषक और उपर्युक्त सभी। मेरे ख्याल से उपर्युक्त सभी 70% उपर्युक्त सभी होगा इसका आंसर, और 30% में गैसीय प्रदूषक रखिए आप। 91 नंबर क्वेश्चन है जो कि ऑटोमोबाइल निकास के लिए निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाले जो बेहद ही घातक जो प्रदूषक है तत्व है कौन सा है? लेड है। लेड जो है कि बेहद ही घातक होता है जो कि हृदय रोग से संबंधित समस्या को उत्पन्न करता है। 92 नंबर क्वेश्चन, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है?
जीवाणु जनित रोग है क्रोड, जो कि लैपरी जीवाणु से होता है। यहाँ पर देख सकते हैं लैपरी जीवाणु के कारण ये क्रोड नामक बीमारी होता है, ये जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध सोना। शुद्ध सोना क्या है? तो शुद्ध सोना देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा। शुद्ध सोना क्या है? शुद्ध सोना आपको देखने को मिलेगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना कहलाता है। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? हेमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? हेमेटाइट है। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क है? तो हेमेटाइट है, जो कि लोहा का अयस्क है। इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गए होंगे, सभी क्वेश्चन के सही आंसर मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित ही रूप से आप लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।